गुड इवनिंग एवरीवन। कैथेड्रल बेल्स प्राइवेट लिमिटेड के आज के सेशन में हम ड्रैगन फ्रूट फार्मिंग के बारे में बातचीत करेंगे। जैसे कि आज आप यहां देख रहे हैं, मैं महबूबाबाद तेलंगाना स्टेट के एक फार्मर के ड्रैगन फ्रूट फार्म में अभी मैं खड़ा हूं। जैसे कि आप ड्रैगन फ्रूट फार्मिंग के बारे में जानते हैं, ड्रैगन फ्रूट एक एग्जोटिक फ्रूट है जो आजकल मार्केट में बहुत ही अच्छे प्राइस में सेल होता है, और बहुत से ऐसे फार्मर्स हैं जो आजकल ड्रैगन फ्रूट की फार्मिंग करते हैं। तो आज हम जानेंगे कि ड्रैगन फ्रूट की प्लांटेशन किस तरह से किया जाता है ना। 5 फीट ऊंचा पोल है और ये जमीन में लगभग 2 फीट गहरा किया गया है। तो इसका मतलब फार्मर जब ड्रैगन फ्रूट प्लांटेशन करते हैं तो उन्हें 7 फीट हाइट वाला सीमेंट पोल लेना चाहिए। इसके बाद ये जो ऊपर का आप घेराव देख रहे हैं, ये इसलिए होता है क्लोजअप, ताकि जब ड्रैगन फ्रूट बड़ा हो जाए तो इस घेराव के अंदर से वो बाहर आ सके। इसीलिए ये ड्रैगन फ्रूट का एक सर्कल बनाया जाता है। बहुत से फार्मर इसे सीमेंट का बनाते हैं, बहुत से फार्मर इसे आयरन का भी बना लेते हैं, और बहुत से जगह पे ये रेडीमेड मिलता है। अगर आप हमसे ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं तो हम आपको ये रेडीमेड अवेलेबल करके देख सकते हैं। फ्रूट फार्मिंग में 1 एकड़ में लगभग इस तरह के 400 टू 500 पोल्स लगते हैं, और आप जैसे कि देख सकते हैं कि 2 पोल्स के बिटवीन का जो डिस्टेंस है, या 4 पोल के बिटवीन का जो डिस्टेंस है, वो 10 फीट बाय 10 फीट ले रखा है। यहाँ पे एक पोल के चारों साइड में 4 ड्रैगन फ्रूट के प्लांट लगते हैं। जैसे आप क्लोजली देख सकते हैं, ये एक ड्रैगन फ्रूट प्लांट हो गया, ये दूसरा ड्रैगन फ्रूट प्लांट हो गया, इस साइड से एक तीसरा है और इस साइड से एक चौथा है। इस तरह से एक पोल पे 4 ड्रैगन फ्रूट के प्लांट लगते हैं। 1 एकड़ में अगर हम 400 पोल्स लगाते हैं तो 10 बाय 10 फीट के दूरी पे 1600 मतलब 1600 ड्रैगन फ्रूट के प्लांट्स लगते हैं। यह जो ड्रैगन फ्रूट की वैरायटी है, ये है पिंक वैरायटी। इस तरह से पिंक फ्लैश, वाइट फ्लैश, येलो फ्लैश, इस तरह की अलग अलग ड्रैगन फ्रूट की वैरायटीज होती है। उसी तरह से जम्बो ड्रैगन फ्रूट की वैरायटी आती है। जम्बो का मतलब है कि नॉर्मल ड्रैगन फ्रूट की जो साइज है उससे थोड़ा बड़ी साइज होती है, और जिसका वेट कम से कम 500 ग्राम तक होता है, और इसका जो प्रोडक्शन एक पेड़ के ऊपर, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये जो अब ये नीचे आएगा तो इसके ऊपर ड्रैगन फ्रूट लगना शुरू हो जाएंगे। तो अगर नॉर्मल ड्रैगन फ्रूट को एक ब्रांच पे 4 या 6 फ्रूट लगते हैं, तो जंबो ड्रैगन फ्रूट को 8 या 10 फ्रूट लगते हैं। ये बेसिक डिफरेंस होता है नॉर्मल ड्रैगन फ्रूट में और जंबो ड्रैगन फ्रूट में। हमारी कंपनी आपको वेल क्वालिटी साइंटिफिकली टेस्टेड जंबो ड्रैगन फ्रूट, जो कि पिंक फ्लैश और वाइट फ्लैश दोनों में हमारे यहाँ अवेलेबल है, ये करके देती है। नॉर्मल अगर ड्रैगन फ्रूट में मार्केटिंग कॉस्ट की बात की जाए तो एक ड्रैगन फ्रूट आप जैसे नॉर्मल मार्केट में MRP के अनुसार 80 to 100 rupees का सेल होता है, लेकिन होलसेल मार्केट में 100 to 200 rupees पर kg के अनुसार ये सेल किया जाता है। तो फार्मर अगर 1 एकड़ का ड्रैगन फ्रूट प्लांटेशन करते हैं तो फार्मर को बहुत ही आराम से 5 lakh to 7 lakh rupees पर एकड़ का पर ईयर इनकम होता है। ड्रैगन फ्रूट की जो लाइफ है, ये लाइफलेस प्लांट कहते हैं, क्योंकि अगर मान के चलिए ये 25 ईयर तक आपको फ्रूट देता है, तो इसकी जो ये ब्रांच है, ये आप कट करके फिर से अगर नीचे लगा दो तो फिर से नया ड्रैगन फ्रूट प्लांट आ जाएगा। ये पोल आपको हर 10 साल में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि 10 साल तक ये बहुत अच्छा ये करता है। 10 साल के बाद इसकी जो आयु है वो ख़त्म हो जाती है, राइट। तो अगर आप ड्रैगन फ्रूट प्लांटेशन करना चाहते हैं तो ये महबूबाबाद डिस्ट्रिक्ट है। आप यहां आके इस फार्म को देख सकते हैं, लोकेशन अटैच किया गया है चैनल में। एंड अगर आपको
ड्रैगन फ्रूट प्लांटेशन हमसे करवाना है विद बायबैक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एग्रीमेंट, तो आप हमें 8080594748 नंबर आपको दिया गया है, इस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो कैथेड्रल बिल्स में आज का सेशन में इतना ही। थैंक यू।